हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष गजड़। हाँ तो गाइस, सभी को पता है प्रभास अन्ना सर के जो डाई हार्ट फैन है वो कल की 2898 AD का किस तरह से वेट कर रहे हैं। काफी एक्साइटेड है और काफी सारे पागल भी हुए बैठे हुए हैं कि डायरेक्टर नाग अश्विन सर कुछ क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं। और गाइस, काफी लोग मैसेजेस कर रहे हैं, कॉमेंट कर रहे हैं कि अर्ष भाई कल की 2898 AD के बारे में कुछ अपडेट दे दो, बड़े बड़े यूट्यूबर नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप तो कुछ अपडेट दो, आप तो प्रभास अन्ना सर के डाई हार्ट फैन है, कुछ ना कुछ आप हमारे साथ शेयर कर दो। कब इसकी रिलीज डेट होने वाली है, कब इसे रिलीज करने वाली है, कुछ इनसाइडेड सोर्सेज की तरफ से अपडेट हो तो आप हमारे साथ शेयर कर दो। मतलब कि इसी टाइप की बातचीत चल रही है मेरा इंस्टाग्राम पर। अब गई जो अपडेट निकल कर आ रही है मैं सब बता रहा हूं आप लोगों को, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी बैक टू बैक अपडेट लाते रहते किसके लिए, आप ही के लिए। तो चलिए जान लेते गाइस, कल के दिन में पूरे दिन भाई साहब मैं पूरा यही वेट करता रहा कि कब मूवी की टीम कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करेगी, कब कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेगी, लाइक रिलीज डेट से रिलेटेड, टीजर से रिलेटेड, या फिर कुछ अपकमिंग अनाउंसमेंट से रिलेटेड। लेकिन भाई साहब मेरा इतना मूड ऑफ है, इतना मूड है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूं, क्योंकि कल मूवी की टीम ने प्रॉमिस किया था कि भाई साहब हम उगाड़ी के दिन कुछ बड़ा कुछ लेकर आने वाले हैं, लेकिन बड़ा क्या मिला, कुछ भी बड़ा नहीं मिला। और गाइस इतना मतलब कि इतना डिसअपॉइंट हो गया हूं कल की 2898 AD की मूवी के लिए और डायरेक्टर नाग अश्विन सर के लिए और कल की मूवी की टीम के लिए। लेकिन भाई करें तो क्या करें, डाई हार्ट फैन है प्रभास अन्ना सर के, फेवरेट एक्टर है और फिर फेवरेट मूवी है, तो भाई साहब इतना जुल्म तो चलता है। हाँ तो गाइस अब मूव होते हैं मूवी के ऊपर, मूवी के बारे में भी तो बात कर लेते हैं। हाँ तो गाइस ऐसा बताया जा रहा है जो कल की 2898 AD का वो शूट आज डन डनाडन कर दिया, कंप्लीट कर दिया गया जो मुंबई में चल रहा था। कहाँ चल रहा था, मुझे तो लिटरली इतना प्रेशर है, एक तो मेरा ऑपरेशन होना उसका, उसी के साथ साथ कल की 2898 AD का, तो गाइस मैं काफी ज्यादा मतलब कि डिसअपॉइंट बैठा हूं। गाइस ऐसा बताया जा रहा है कि भाई साहब इसका शूट खत्म कर दिया गया, रैप अप कर दिया गया है, लेकिन कुछ दिन पहले सोर्सेज की तरफ से अपडेट निकल कर आया था कि भाई साहब दूसरे पार्ट का शूट स्टार्ट कर दिया गया है। लेकिन फिर ये चीज क्या है, ये सीन क्या है, मूवी की टीम को क्या बिल्कुल भी अनरिस्पॉन्सिबल बन रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या उनकी कल की मूवी के लिए? तो गाइस चलिए जाने दीजिए, कोई बात नहीं, अपन कर लेते हैं बात यार। हाँ तो गाइस अपडेट ऐसा निकल कर आ रहा है जो कि 3-4 दिन पहले मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था कि इसकी जो न्यूज रिलीज डेट होने वाली है वो ये होने वाली है 30 मई, यानी कि 30 मई की होने वाली है। लेकिन भाई साहब अब थोड़ा सा अलग मूड बन रहा है, जो पिंक विला साउथ है, और भाई साहब पिंक विला किस लेवल का मीडिया है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो भाई साहब उनका पिंक विला के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 20 जून की इसकी रिलीज डेट बताई जा रही है, 20 जून की रिलीज डेट बताई जा रही है। अब गाइस देखिए, कभी भी रिलीज कर दें आप, कभी भी रिलीज कर दें, कल भी रिलीज कर दें आप, 10 साल के बाद भी रिलीज कर देंगे, मान ले उम्र बढ़ जाएगी, दाढ़ी बढ़ जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम थिएटर में खांसते खांसते देखाएंगे भाई साहब हम 10 सालों से इंतजार कर रहे थे कल की मूवी का, फाइनली मूवी थिएटर में रिलीज हो गई, मतलब कि यही रिएक्शन होगा। बाकी गाइस अब क्या है क्या नहीं है, कब रिलीज करने का प्लान करें, एटलीस्ट यार ये तो अनाउंसमेंट कर दे कि कब रिलीज डेट होने वाली है, नहीं कुछ भी अनाउंसमेंट। और कल भाई साहब हिंदू धर्म का इतना बड़ा फेस्टिवल, कल 9th अप्रैल को उगाड़ी भी था, गुड़ी पाड़वा भी था, लेकिन मूवी की टीम में भाई साहब कोई कान वान में कोई जू नहीं रहेंगे, और ना कुछ अनाउंसमेंट किया, और फिर वो एमिनेशन ग्लिम्स लाने वाले थे वो भी कुछ नहीं आया। बाकी क्या है, डिले है, डिले हो जाने दो, क्या होता है बाकी देखते हैं क्या होने वाला है। वैसे गाइस आप लोग हमें बताएं कल की 2898 AD के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड और आपके क्या ओपिनियन है इसके रिलीजिंग डेट के बारे में, अपकमिंग अनाउंसमेंट के बारे में, भाई साहब आप ही लोगों को बताना होगा क्योंकि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। क्या लगता है कब तक रिलीज कर सकते हैं डायरेक्टर नाग अश्विन, अपने ओपिनियन भाई साहब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिससे कि आपका भाई इंस्पायर और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तक के लिए जय हिंद जय भारत।